अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपका BTC द्वितीय सेमेस्टर विज्ञान। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में लघु उत्तरी प्रश्न के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपको 25 में 25 अंक चाहिए हो तो सबसे पहले जो हमने बहुविकल्पी की वीडियो बना रखी है उसे आपको सबसे पहले पूरा देखना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको अति लघु उत्तरी की दोस्तों पूरी वीडियो देखनी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा आता है लघु उत्तरी प्रश्न। अगर आपने दोस्तों ये हमारी तीन वीडियो पूरी देख ली तो डेफिनेटली आप विज्ञान में 25 में 25 या एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों देखिए, सभी बच्चे 25 में 25 नहीं ला सकते क्योंकि सभी का IQ लेवल अलग अलग होता है। तो किसी बच्चे की समझने की क्षमता ज्यादा होती है, किसी की कम। तो आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है इसके लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को अपने अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर देना जिससे कि और भी दोस्त आपके विज्ञान सीख सके। सबसे पहले वो कुछ उन क्वेश्चंस को लेंगे जो पिछले वर्षों में आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया था कि प्रकाश संश्लेषण अवशोषण में अंतर लिखिए। दोस्तों क्या होता है इसका पूरा देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी प्रकाशिक ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज तथा स्टार्च के रूप में एकत्रित होती है। इन यौगिकों के टूटने तथा रासायनिक आक्सीकरण से पर्याप्त ऊर्जा निकलती है जिसका उपयोग जीव करते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलती है तथा यह अभिक्रिया ऑक्सीजन अंदर लेने के दौरान होती है। इस प्रक्रिया में उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड साथ द्वारा बाहर छोड़ी जाती है। इस प्रक्रिया में जो यौगिक ऑक्सीकृत होते हैं उन्हें श्वसनीय पदार्थ कहते हैं और श्वसनीय पदार्थों से सारी ऊर्जा एक साथ नहीं निकलती है बल्कि धीरे धीरे एक के बाद एक होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निकाली जाती है जिन्हें श्वसन की अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन के दौरान ऊर्जा उसी प्रकार प्राय जैसा कि किसी भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया से प्राय होती है। ठीक है दोस्तों, श्वसन से बने प्रकाश संश्लेषण के विपरीत समझा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण उपचय है और श्वसन अपचय। ठीक है, श्वसन की इस अभिक्रिया को नीचे दिया गया है। तो दोस्तों आपको इस इक्वेशन को देखना है। ठीक है, ये इस अभिक्रिया कैसे की गई है। 6C H12O6 plus 6O2 बराबर CO2 6CO2 plus 6H2O into 243 किलो जूल ऊर्जा यहाँ से निकल रही है। ठीक है मनीष, देखिए दोस्तों कभी भी ऐसे आप समीकरण बनाए तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिए कि ये कंप्लीट है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 6O2 का मतलब हो गया यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है। और दोस्तों हम यहाँ पर भी चेक करेंगे, देखिए तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 6O2 मतलब 6 × 12 हो गए दोस्तों और 6 ये था यहाँ पर 12 × 6 = 18 दोस्तों 6 यहाँ पर है तो 18 18 दोस्तों दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर है। तो ऐसे हम चेक कर लेते हैं कि जो हम समीकरण बनाते हैं वो सही है या नहीं। अब देखिए आगे पूरी परिभाषा कि मनुष्य के शरीर में श्वसन और के दौरान प्रमुख क्रियाओं को दिखाया गया है। पौधे प्रकाश के अंधेरे में संश्लेषण और श्वसन दोनों ही करते हैं परंतु जिस दर से यह प्रक्रिया होती है यह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ये दोनों प्रक्रियाएं सांध्य प्रकाश में एक दूसरे को संतुलित करती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, हमें ऐसे आंसर करना था। देखिए आप इतना बड़ा आंसर तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ कुछ चीजें इसमें महत्वपूर्ण थी, आप उसको याद करके एक अच्छा आंसर आप पेपर में लिख सकते हैं। कोई वहां इतना ध्यान तो नहीं पड़ता लेकिन आप लोग अच्छा लिखेंगे। अगर आप लोग जैसे ये क्वेश्चन ये बना के दिया गया उसको बनाएंगे तो आप डेफिनेटली 2 में 2 अंक ला सकते हैं पेपर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला प्रश्न है हमारा कि लवण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, अम्लीय लवण का उदाहरण दीजिए। देखिए दोस्तों लवण या अंग्रेजी में बोले सॉल्ट धारायन प्रातः प्राय धात्विक आयन और किसी अम्ल के ऋणायन जैसे क्लोरीन NO3 SO4 आदि से बने यौगिक लवण कहलाते हैं। कुछ लवणों में धारायन धात्विक आयन न होकर कुछ परमाणुओं का समूह होता है जैसे NH4 प्लस आयन K2SO4 NH4Cl CuNO3 का होल ट्वाइस 2 आदि लवणों के उदाहरण है। तो दोस्तों आप लोग को ऐसे तैयार करना है। देखिए आप लोग जो पेपर की तैयारी कर रहे होंगे अगर आपने इन प्रश्नों को छोड़ रहे हैं तो आप एक गलती भी कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि अगर आप लोग कोई जो भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोग को ये भी देखना है जो पिछले साल में क्वेश्चन आए हैं ये दोनों क्वेश्चन क्या आपने इसको अपने मन से पढ़ा इस बार। अगर आज आप तैयारी करते हैं तो क्या आपने इन क्वेश्चन को देखा, अगर आपने नहीं देखा तो आपकी तैयारी भी बेकार है। तो ऐसे प्रश्न आपको देखना पड़ेगा तभी आपका पेपर में अच्छे से अच्छे अंक आएंगे। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा आंसर पहले देख लेते हैं। लवण का वर्गीकरण क्या क्या इसमें प्रश्न में पूछा गया था ना कितने प्रकार का होता है, उसके बाद ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों देखिए लवण का वर्गीकरण कैसे किया गया था कि लवण को उनके गुणों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे आपका एक होता है सामान्य लवण,
दूसरा अम्लीय लवण, तीसरा होता क्षारकीय, एसिड होता जो दोस्तों जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब अम्ली मतलब एसिड हो गया, क्षारकीय मतलब बेसिक साल्ट हो गया, द्विलवण, मिश्रित लवण और संकर लवण। तो दोस्तों आप लोगों को पूरी परिभाषा के साथ देना था, इतना लंबा उत्तर देखिए। जैसे अतः अम्लों के कुछ या समस्त हाइड्रोजन परमाणुओं को धात्विक आयन द्वारा विस्थापित करने से जो यौगिक बनते हैं उसे हम लवण कहते हैं, जैसे NaHSO4, Na2SO4, NH4, NO3 आदि। दूसरे शब्दों में जब किसी अम्ल विलयन को क्षारक विलयन के साथ मिलाते हैं तो जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं, जैसे आपका HCl+NaOH, ठीक है। तो हमारा क्या बना, NaCl+H2O, तो ये है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो बना इसको हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ये हमारा क्या था, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NOS सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब बनाते हैं तो हमारा क्या बनता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये बना H2O, ठीक है जल। तो हमने देख लिया लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों सबकी अलग अलग परिभाषा देख लेते हैं। इसमें बोला गया था क्वेश्चन में कि अम्ली लवण का उदाहरण दीजिए, तो अम्ली लवण को अलग से बोला गया, तो दोस्तों इस पर बात कर लेते हैं कि अम्ली लवण क्या होता है। एसिड साल्ट यह लवण किसी अम्ल के कुछ प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं के किसी धनायन द्वारा विस्थापन से बनते हैं, जैसे H2SO4 से NaHSO4, H2CO3 से NaHCO3, H3PO4 से NaH2PO4 आदि, Na2HPO4 आदि, ठीक है दोस्तों। इन लवणों में विस्थापनीय हाइड्रोजन शेष रहती है। यह लवण जल में दो प्रकार के धनायन देते हैं जिनमें से एक हाइड्रोजन आयन और दूसरा धनायन होता है। जैसे देखिए दोस्तों क्या करते हैं, NaHSO4, ठीक है, ये अलग करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम प्लस, हाइड्रोजन प्लस, फिर SO4 ऊपर 2-, ठीक है दोस्तों। ये सब चीजें अगर आपने इंटर में पढ़ रखा है तभी आप लोग अच्छे यहाँ पर कर पाएंगे, अन्यथा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आप दोस्तों देख के पढ़िए, याद करिए, कॉपी में लिख के पढ़िए। और इन लवणों, ठीक है, को जलीय विलयन हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण अम्लीय होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण यह अम्लीय होता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपके पेपर में 2019 में दोस्तों, ये देखेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग समझाइए। तो नाभिकीय ऊर्जा मतलब न्यूक्लियर एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आप लोग न्यूक्लियर न्यूक्लियर सुनते होंगे। तो देखते हैं क्या होता है, रेडियो धर्मी पदार्थों के नाभिकों के विखंडन अथवा संलयन से मुक्त ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जब यूरेनियम, ठीक है, के नाभिकों पर कम गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं तो यूरेनियम नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है तथा इस प्रकार में अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार को नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन भी कहते हैं। तथा जिस निकाय में नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे नाभिकीय भट्टी अथवा न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। तो दोस्तों परमाणु बम का नाम सुना है ना, बस वही चीजें हैं सब। हमारे देश में तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु तथा नरोरा उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र है जहां नाभिकीय रिएक्टरों से ऊर्जा प्राप्त करके विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन आपके पेपर में क्या पूछा गया 2016 में, अच्छे स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, टिप्पणी करिए, ठीक है। यह क्वेश्चन आपको 2019 में भी रिपीट हो गया, संतुलित आहार किसे कहते हैं, हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन हर एक बच्चा बनाकर लिख सकता था, 2 नंबर मतलब इस क्वेश्चन पर सभी बच्चे पा सकते हैं। तो और क्वेश्चन में तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो आपको बनाकर लिखना पड़ेगा। अगर आपकी बैक लगती है तो ये आपकी गलती होगी जो विज्ञान इस क्वेश्चन को ना कर पाए। संतुलित आहार का अर्थ होता है उस आहार से जो शरीर के लिए आवश्यक अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। शरीर को आहार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला दोस्तों ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा सुरक्षा के लिए, ठीक है। अतः वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता है संतुलित आहार कहलाता है। व्यक्ति जो भी आहार लेता है वह पूर्ण तृप्ति की भावना देने के बाद भी आवश्यक न ही है कि संतुलित हो। यदि आहार में ऊर्जा के लिए आवश्यक सभी तत्व उचित मात्रा में है पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव है तो वह आहार संतुलित नहीं कहलाएगा। इस प्रकार का आहार शरीर को क्रियाशील रखने में तो सहायक हो गया जिसके कारण व्यक्ति कमजोरी व थकावट का अनुभव नहीं करेगा, पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव होने के कारण व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट नहीं रहेगा, वृद्धि की गति कम हो जाएगी तथा शरीर के रोगों का शिकार हो जाएगा। जो आपका शरीर है दोस्तों वो रोगों का शिकार होगा। इसी प्रकार यदि भोजन में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य तत्वों का अभाव है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं रह पाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम दोस्तों देखेंगे 2019 में क्या पूछा गया,
कि कोशिका क्या है, पादप तथा जंतु, कोशिका में अंतर आपको लिखना है। कोशिका क्या होती है पहले ये देखते हैं। मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर बना है, इन इकाइयों को कोशिका या सेल कहते हैं। कोशिकाएं निर्जीव नहीं है बल्कि ये शरीर की जीवित इकाइयां हैं। ये गति करती है, स्वास्थ्य लेती है, अपना पोषण कर वृद्धि करती है, व्यर्थ पदार्थों का त्याग करती है तथा जनन भी करती है। अतः मानव शरीर असंख्य जीवित इकाइयों का समूह होता है। ये मानव शरीर के निर्माणक इकाइयां हैं। शरीर निर्माण में या ठीक उसी प्रकार कार्य करती है जैसे एक भवन निर्माण में ईंटे। तो सोचिए दोस्तों, अगर आपकी कोशिका ना हो तो आपका शरीर क्या बन सकता है। ईंटों को आपस में जोड़ने हेतु सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, जबकि कोशिकाएं शरीर में कोलोजन नामक तत्व से जुड़ी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, तो कुछ चीजें जो आपकी कोशिकाएं होती है शरीर में किससे, कोलोजन से जुड़ी होती है। और ईंटों का एग्जाम्पल दोस्तों आपको याद रहेगा, यद्यपि यह कोशिकाएं आपस में जुड़ी है फिर भी शरीर में पाए जाने वाली प्रत्येक कोशिका का एक अलग अस्तित्व होता है। प्रत्येक कोशिका एक पतली झिल्ली से ढकी रहती है और दूसरी कोशिका से अलग रहती है। ठीक है, तो अब हम अगला इसी में देखते हैं दोस्तों, जरा आपका पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों, पहले जंतु कोशिका फिर पादप कोशिका। जंतु कोशिका क्या होती है दोस्तों, जीव द्रव्य पाया जाता है इसमें, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसमें कोशिका भित्ति दोस्तों पाई जाती है आपकी पादप कोशिका में। इसमें दोस्तों क्या होता है, लवक अनुपस्थित होता है। और इसमें दोस्तों क्या होता है आपका, लवक पाया जाता है। इसमें तारकाय उपस्थित होता है, इसमें तारकाय अनुपस्थित होता है। रिक्तिका छोटी होती है दोस्तों, रिक्तिका बड़ी होती है। इसमें आकार वृत्ताकार होता है और इसमें दोस्तों आकार आयताकार होता है। तो दोस्तों हम नहीं कहते आप 6 के 6 पॉइंट्स याद करें, लेकिन 4 से 5 पॉइंट्स ध्यान में रखिए। 6 पॉइंट्स पढ़ कर जाएंगे तो 4 से 5 पॉइंट वहां कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, जो 2019 में भी पूछा जा चुका है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अब बात आ गई आपकी उत्सर्जन, ठीक है, आइए इसको देखते हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण तथा पाचन के बाद शरीर उपयोगी पदार्थों के विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंचाता है। अपाची तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। शरीर में उपापचय की क्रियाओं द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन करते हैं। गैस, तरल तथा ठोस पदार्थों का उत्सर्जित होना आवश्यक है और उनमें से प्रत्येक के उत्सर्जन की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ है जिसे सांस द्वारा बाहर निकाला जाता है। श्वसन के समय कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर पानी में घुलकर स्थानांतरित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन फेफड़ों की सतह से होता है। दोस्तों इसके लिए फिगर भी ड्रा किया गया, उत्सर्जन कैसे होता है, तो ये फिगर आपके सामने है। तो आप लोग इसको देख के वीडियो को रोक के अच्छे से इसको आप लोग कॉपी बना के याद कर लीजिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो ध्यान में रहे आपके। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है दोस्तों। सबसे ऊपर है एड्रिनल ग्रंथि, कार्टेक्स, मेडुला, धमनी, स्रोणी, सिरा, निम्न महासिरा, पृष्ठ महाधमनी, मूत्रवाहिनी, ब्लेडर, मूत्रमार्ग और वृक्क। ठीक है, जहां से आप लोग टॉयलेट करते हैं दोस्तों कुछ ऐसा है। तो चलिए ठीक है, आप लोग देखिएगा और इसका पूरा डिफिनेशन क्या है इसको और पढ़ते हैं। ठोस अपशिष्ट मुख्यतः भोजन का अपाचित भाग जैसे सब्जियों के रेसे रफेज होते हैं। स्मरण करें कि मुंह में भोजन का पाचन आरंभ होता है तथा आमाशय में समाप्त होता है। पाचित भोजन पेट की भित्तियों द्वारा अवशोषित हो जाता है। अपाचित पदार्थ बड़ी आंत में आ जाता है और गुदा के रास्ते शरीर से निष्कासित हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मुंह से लेकर गुदा तक एक ही रास्ता होता है। अपशिष्ट तरल पदार्थों के उत्सर्जन के लिए एक जटिल क्रियाविधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि रुधिर में पोषक तत्व तथा अपशिष्ट पदार्थ दोनों ही होते हैं, इसलिए इन के छानने तथा अलग करने की विशेष विधि होती है। इस क्रिया से उपयोगी पदार्थ शरीर में ही रह जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित हो जाते हैं। यह क्रिया शरीर में स्थित वृक्कों के द्वारा संपन्न होती है। शरीर में इनकी संख्या 2 होती है। यदि इनमें से एक वृक्क काम करना बंद कर दे तो दूसरे वृक्क अकेले पूरा कार्य करता है। तो दोस्तों देखते हैं, 2019 में एक और क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, क्या था वो प्रश्न। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला आपका भौतिक परिवर्तन, दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था एवं आकृति आदि में परिवर्तन होता है, परंतु उसकी रचना में कोई अंतर नहीं आता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था आदि सब कुछ बदल जाते हैं और साथ ही पदार्थ की रचना भी पूर्ण रूप से बदल जाती है। ये अंतर होता है पहला।
इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ निर्मित नहीं होता है, लेकिन इस परिवर्तन में दोस्तों नया पदार्थ निर्मित हो जाता है रासायनिक परिवर्तन में। भौतिक में क्या, कारण हटाए जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों कारण हटाए जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि उसका रंग रूप आकार ही चेंज हो चुका है, तो नया पदार्थ बन गया तो कैसे क्या होगा। ठीक है, इसमें पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तित परिवर्तन नहीं होता, लेकिन दोस्तों इसमें पदार्थ के संगठन में परिवर्तन हो जाता है। इसमें वस्तु के भार में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन दोस्तों इसमें वस्तु के भार में अंतर पदार्थ बनने के कारण आ जाता है। भौतिक परिवर्तन में ताप और विद्युत से वस्तु की रचना में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन दोस्तों वस्तु की रचना में प्रकाश एवं विद्युत से परिवर्तन होता है। दाब के प्रभाव से पदार्थ का केवल ठोस आकार एवं स्वरूप बदलता है, अधिक दाब पड़ने पर नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, अब दोस्तों 2019 के सारे प्रश्न हमने देख लिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों बारी आती है हमारी 2016 में पूछे गए प्रश्नों पर, इसको भी डिस्कस कर लेंगे दोस्तों कि आपके जो पिछले सालों वर्षों में पेपर क्वेश्चन आए थे उसमें कैसे आया था, तो आप लोग उससे अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न आपका सौर मंडल या सौर परिवार क्या है, इसको आपको डिफाइन करना था, सौर मंडल या सौर परिवार। सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं, इसमें सूर्य एक तारा होता है जो प्रकाश तथा ऊष्मा प्रदान करता है हमें। सूर्य से ही निकले हुए 8 ग्रह हैं जिनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों से टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहते हैं। ये सभी अपने अपने ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, सूर्य से प्रकाशित होते हैं। सूर्य और परिवार मतलब सूर्य आपका सौर परिवार का जन्मदाता है, याद रखिए दोस्तों इसको, छोटी सी लाइन है इसको ध्यान में रखना है कि सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता है। मतलब आपको बनाकर लिखना होगा तो भाई इतना ही याद रहेगा, तो आप लोग अच्छा खासा बनाकर पेपर में लिख पाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि ये छोटे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आपका दोस्तों उपग्रह को समझाइए, तो कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, यह एक छोटा खगोल पिंड है जो अपने ग्रह का परिभ्रमण करता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, इसी प्रकार अन्य ग्रहों के भी उपग्रह होते हैं, मंगल के 2, बृहस्पति के 64, शनि के 61, अरुण के 27 और वरुण के 13 उपग्रह, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, अवांतर ग्रह से क्या अभिप्राय है। देखिए दोस्तों मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य लंबे भाग को में 2000 से अधिक छोटे छोटे उपग्रह जैसे आकाश पिंड, इन्हें अवांतर ग्रह कहते हैं। वर्ष 1801 में एक बहुत छोटा ग्रह दिखाई पड़ा था जिसका नाम सिरिस रखा गया था। प्लास, जूनो, वेस्टा आदि अनेक अवांतर ग्रहों के ही नाम हैं। अब दोस्तों ये बात आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आकाश गंगा किसे कहते हैं। तो आकाश गंगा दोस्तों असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ते। रात्रि को स्वच्छ आकाश में एक चमकदार मेहराव आर्च दिखाई पड़ती है। भारत में आकाश गंगा, यूरोप में मिल्की वे और यूनानी भाषा में गैलेक्सी कहते हैं। आकाश गंगा में सूर्य से बड़े 68% तारे इसी प्रकार के हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी ग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पृथ्वी पर क्या लिखना है, पृथ्वी शुक्र व मंगल के मध्य स्थित है जहां मध्य तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी सौर मंडल का अकेला ग्रह है जहां जीवन है। इसका व्यास 12,757 किलोमीटर और सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। यह सूर्य की प्रदक्षिणा 365 दिन में पूरी करता है। इसके ऊपर वायुमंडल का आवरण है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, उल्का और उल्कास में क्या होता है ये बताना है आपको। अंतरिक्ष में घूमते धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, इन्हें उल्कास्म कहते हैं। इनकी संरचना पृथ्वी के समान है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी ऊपर से तारे गिरते रहते हैं, तो मतलब जब ये पृथ्वी के अंदर एंट्री करते हैं तो इतनी तेज गर्मी होती है या गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों जब तेजी से टकराते हैं तो मतलब क्या होता है, ये जलकर राख हो जाते हैं। आपने देखा होगा रात में काफी तारे गिरते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तारामंडल का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों तारामंडल क्या होता है इसको देखते हैं।
कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को हम तारा मंडल कहते हैं। तारों का निर्माण हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन से हुआ है। आकाश गंगा के तारा मंडलों के नाम है वृश्चिक, ओरियन, सप्तर्षि, कृत्तिका। दोस्तों वृश्चिक क्या होता है इसको देखते हैं। आकाश की दक्षिण पश्चिम दिशा में यह ग्रीष्म काल में दिखाई देता है। व्याघ्र क्या होता है ओरियन, आकाश के उत्तरी भाग में शीतकाल में दिखाई देता है। सप्तर्षि क्या है दोस्तों, यह उत्तरी आकाश में शीतकाल में सितंबर माह में दिखाई देता है। और ध्रुव तारा पोल स्टार दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत सुने होंगे। यह आकाश में तारों के स्थित घूर्णन अक्ष पर सदैव दिखाई देता है। यह घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण गतिहीन होता है। शेष सभी तारे पृथ्वी की गति के दिशा के अनुरूप पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये दो क्वेश्चन जो पेपर में काफी बार पूछे जाते हैं आप लोग को, एक से दो नंबर में, कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बीच, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच आपकी पृथ्वी आ जाती है। याद रखिएगा चंद्र ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में हमारी पृथ्वी आती है तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तथा चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। यदि चंद्रमा और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छुप जाता है, यदि चंद्रमा पृथ्वी की प्रच्छ छाया में हो तो कुछ भाग पृथ्वी की उपछाया में हो तो यह भाग हमें आंशिक रूप से दिखाई देता है। इस स्थिति को आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण का वर्णन करना है हमें। तो इसमें क्या होता है, अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति में सूर्य का वह भाग दिखाई नहीं पड़ता जो चंद्रमा से ढक जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के जिस क्षेत्र में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है उस क्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। इसी प्रकार वह क्षेत्र जो चंद्रमा के उपछाया में है जहां सूर्य केवल आंशिक रूप से दिखाई देता है तो ऐसे स्थान पर खंड सूर्य ग्रहण पड़ता है। यदि चंद्रमा की प्रच्छाया का केवल छोर ही पृथ्वी को छू पाता है तो वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पूछा गया कि इसरो के विषय में बताइए। तो दोस्तों इसरो क्या होता है, आपका ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये है आपका इसरो। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या लिखा गया है पढ़ते हैं अच्छे से कि आपका इसरो जो है दोस्तों आज भारत में न सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग कर रहा है। इसरो वर्तमान में ध्रुवीय कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, ठीक है दोस्तों, PSLV एवं GSLV की सहायता से क्रमशः कृत्रिम एवं भूस्वामी उपग्रह प्रक्षेपित करता है। संस्था ने 1 अक्टूबर 1958 से कार्य करना शुरू किया, तब से आज तक अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण के सारे कार्यक्रम नासा द्वारा संचालित किए गए हैं जिनमें अपोलो चंद्रमा अभियान, स्काईलैब, अंतरिक्ष स्टेशन और बाद में अंतरिक्ष शटल शामिल है। वर्तमान में नासा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को समर्थन दे रही है और उरायन बहुउपयोगी कर्मदल, ठीक है, कर्मदल वाहन व व्यापारिक कर्मदल वाहन के निर्माण व विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। संस्था लॉन्च सेवा कार्यक्रम LSP के लिए भी जिम्मेदार है जो लॉन्च कार्यक्रमों व नासा के मानव रहित लॉन्चों की उल्टी गिनती पर ध्यान रखता है। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन एक और आता है आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मंगल ग्रह क्या है। क्वेश्चन आपका दोस्तों मंगल ग्रह की खोज में भारत का योगदान क्या है। भारत के मंगलयान का मंगल की कक्षा में प्रवेश। दोस्तों अंतरिक्ष अभियान में भारत ने एक बड़ी कामयाबी उस समय हासिल की जब स्वदेश निर्मित मंगलयान ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इसी के साथ यूरोपीय संघ, अमेरिका व रूस के पश्चात भारत विश्व का चौथा ऐसा देश हो गया जिसने मंगल की कक्षा में या इसकी सतह पर अपने यान भेजने में सफलता प्राप्त की। इनमें से केवल भारत ने ही अपने पहले प्रयास में यह सफलता प्राप्त की है। तो दोस्तों एक याद रखिए जो इंडिया की टेक्नोलॉजी होती है दुनिया से बहुत ही अच्छी है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट, सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है। तो पहली बार में मंगल पर अपना
कदम रख लिया दोस्तों भारत ने, तो ये बड़ी बात है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि मृदा मिट्टी का आशय स्पष्ट कीजिए। मृदा मिट्टी क्या होती है? मृदा मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह बनाता है। मृदा का निर्माण लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। मृदा के निर्माण में अनेक बाहरी शक्तियां अपना प्रभाव चट्टानों में डालकर उन्हें कमजोर कर देती है, जिससे उनके बारीक बारीक कण अलग हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तथा मृदा का निर्माण होता है। मिट्टी के निर्माण में भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भौतिक शक्तियों बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर चट्टानों को सरका देती है। रासायनिक शक्तियों चट्टानों में पाए जाने वाले यौगिकों, जल, वायु आदि से विभिन्न रासायनिक क्रियाएं मिट्टी बनाने में सहायक है। इसके अतिरिक्त जैविक शक्तियां भी सूक्ष्म जीवों आदि के द्वारा मिट्टी के निर्माण में सहायता करती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मृदा मिट्टी का उपयोग क्या है? देखिए मृदा मिट्टी जीवों के लिए वास स्थान का कार्य करती है। इसमें केचुआ, चींटी, दीमक, सांप, नेवला, चूहा तथा लोमड़ी आदि जंतुओं के रूप में तथा बैक्टीरिया, कवक तथा शैवाल पादपों के रूप में निवास करते हैं। भोजन के विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा विटामिन, खनिज लवण तथा जल पेड़ पौधों को मृदा से ही प्राप्त होते हैं। मृदा का उपयोग भवन निर्माण एवं बर्तन निर्माण में भी किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि मृदा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। अब दोस्तों मृदा मिट्टी के हमें प्रकार भी बताना है, तो कितने प्रकार की मृदा मिट्टी होती है? एक तो आपने पढ़ा होगा बलुई मिट्टी या सैंडी सॉयल। सॉयल माने क्या होता है? आपका मिट्टी होता है। इस मिट्टी के कणों का आकार अधिक होने के कारण इनमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है तथा इसके कणों के बीच में वायु अधिक होती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व तो नहीं पाए जाते हैं, बलुई मिट्टी। अब दोस्तों चिकनी मिट्टी आता है क्ले सॉयल। चिकनी मिट्टी के कण बारीक होते हैं तथा इस मिट्टी में सबसे कम छिद्र वाले कण पानी का अवशोषण कर अधिक परंतु धीरे धीरे होता है, अतः पानी की अधिकता के कारण यह मिट्टी कम उपयोगी होती है। अब दोस्तों बात आती है आपकी दोमट मिट्टी, ठीक है, ये क्या होता है? बालू चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण का हम दोमट मिट्टी कहते हैं। तो दोमट मिट्टी दोस्तों खुद का नहीं होता, ये कुछ मिश्रण होता है जो होता है आपका बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद, ठीक है, इनको याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन हमारे इसी में बनता है कि देखिए अलग अलग प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि बलुई मिट्टी किसे कहते हैं या चिकनी मिट्टी किसे कहते हैं, तो ये सब ध्यान में रखना है आपको। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों क्या होता है? यह मिट्टी नदियों द्वारा निक्षेपित महीन गाद से निर्मित होती है। काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, यह ज्वालामुखी शैलों से बनी मिट्टी होती है। यह नमी को लंबे समय तक संजोए रखती है। भारत में यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। यह मिट्टी कपास, गेहूं आदि फसल उगाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। अब दोस्तों लाल मिट्टी हमने सुना होगा, रेड सॉइल, आग्नेय शैलों से बनी यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों के उष्ण और शुष्क भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ है परंतु उर्वरकों की सहायता से इसमें फसल उगाई जा सकती है। तो लैटराइट मिट्टी दोस्तों देखते हैं, पर्वतीय मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी और पथरीली मिट्टी है। दोस्तों आप वीडियो को रोक के इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्योंकि हमें और भी वीडियो क्वेश्चन डिस्कस करने, तो उसको देखते हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमें बताना फसलों के प्रकार बताइए। तो हमारे देश में कितने प्रकार की फसलें पाई जाती है, ठीक है, तो हमारे देश क्या पूरी दुनिया में क्या होता है फसलों के प्रकार दोस्तों? आपका रबी हो गया, खरीफ हो गया, जायद हो गया। तीन तरह के दोस्तों आपके फसल होते हैं। रबी में, रबी की फसल गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, ये सब आता है दोस्तों। खरीफ में मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, ग्वार, अरहर, लोहिया, सोयाबीन, ये सब आता है। जायद में कौन सा आता है दोस्तों? गर्मी के दिनों में जून तक खरबूज, तरबूज, ककड़ी, लौकी, ये सब फसल जो आता है दोस्तों वो जायद फसलों में आता है। अब दोस्तों बात करेंगे कि फसल चक्र किसे कहते हैं या क्रॉप रोटेशन। किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पर उसे फसल चक्रण कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कभी भी ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, लेकिन ये आपको पता भी होना चाहिए अगर गांव से आप बिलोंग करते हैं तो, कि द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ पेपर लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन इज अ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, ठीक है दोस्तों। मतलब कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िए दोस्तों, फिर से आपको एक बार डेफिनेशन बता देते हैं कि समय में, ठीक है, किसी, देखिए यहाँ से डेफिनेशन इसकी है, परिभाषा कि किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को। जी हाँ दोस्तों, जब हम कोई खेत है ऐसा ना हो कि हम बार बार गन्ना ही गन्ना बो रहे हैं, चेंज करते रहेंगे दोस्तों, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति हमारी नष्ट ना होने पाए, उसे हम फसल चक्रण कहते हैं।
अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति कम ना होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार का अदला बदली फसल चक्रण है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारा, उत्तर भंडार गृह की विशेषता बताइए। तो दोस्तों अब आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल 30 मिनट की दोस्तों ये वीडियो बन चुकी है, तो आप लोग भी सोचेंगे यार कितनी बड़ी वीडियो हो रही, तो आधे घंटे की दोस्तों ये क्लासेस थी, तो इसका पार्ट टू दोस्तों देखने के लिए आपको वेट करना होगा, तो पार्ट टू बहुत ही जल्दी आपके सामने आएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर लाइए।